नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू। 32 बोर के खोल और एक 32 बोर का जिंदा कारतूस किया बरामद। अमृतसर के थाना बी डिवीजन के अधीन आते इलाके कटड़ा चढ़त सिंह में एक मकान में लगी आग बड़ा हादसा होने से टला। फिरोजपुर के गांव फिरोज शाह में पुलिस ने एक नशा तस्कर की प्रॉपर्टी को किया सील। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर लूटपाट करने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत थाना सदर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब थाना सदर की पुलिस टीम द्वारा गन पॉइंट पर लूटपाट करने वाले दो दोषियों को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पीड़ित स्वराज सिंह के बयानों पर मामला दर्ज किया गया था कि पीड़ित अपने दोस्तों के साथ गोल्डन गेट से होते हुए मजीठा रोड पर अपने वाहन पर जा रहा था कि इस दौरान बुलेट और एक्टिवा सवार 5 नौजवानों ने उन्हें घेर लिया और धमकियां देने लगी। इस दौरान उन्होंने नौजवानों का मुकाबला किया तो उन्होंने फायर किए जो कि पीड़ित के एक साथी को लगा, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा इस मामले की जांच करते हुए दो दोषियों को काबू किया गया, जिनकी पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी निवासी रोड शाह कॉलोनी इस्लामाबाद अमृतसर और रविंदर सिंह उर्फ पवन निवासी गुरु नानकपुरा रोड शाह कॉलोनी इस्लामाबाद अमृतसर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 32 बोर के खोल और एक 32 बोर का जिंदा रौंद भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे उनके बाकी साथियों को गिरफ्तार किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सचो सदर दिन की टीम वालों बड़ी ही डूंघाई न तफ्तीश शुरू की, तो बड़ी तेजी इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जो लुटखो करन आए सन सारे दोषियों ट्रेस कर लिया वा। इन्हों जो टोटल 5 दोषी सन, 5 चो 2 दोषी गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी, रविंदर सिंह उर्फ पवन जो कि नानकपुरा रोड शाह कलोनी रोडे शाह कलोनी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इन्हों दोनों नूं अरैसट करने विच कामयाब होए हैं। मौके तो सानू 2 32 बोर के खोल तो 1 332 बोर का जिंदा कारतूस भी बरामद होया। इन दोनों की उम्र करीब 25 से 30 साल के विचाले है। तो जो बाकी दोषी आ जिन्हां विचों एक दोषी नूं ये जानते हैं जिसका नाम करन उर्फ टीडा है जो कि गेट की मदर रहने वाला, इस दे खिलाफ़ पहला भी खो दे 399-402 के मुकदमे दर्ज हैं। सो जो बाकी 2 दोषी ने इन्हों का नाम इस करन पता वा, सो जो करन अरैसट करा उस तो बाद बाकी दोषियों का भी नाम। अमृतसर के थाना बी डिवीज़न के अधीन आते इलाके कटड़ा चढ़त सिंह में देर रात 6 वर्षों से बंद पड़े एक मकान में आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड के साथ साथ पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जय हो क्लब के नेता विक्की दत्ता ने बताया कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित कर दिया गया था, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कटड़ा चढ़त सिंह में एक घर में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है, फिलहाल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कंट्रोल रूम तो तलाब मिली थी कि इतने कड़ा चढ़त सिंह टुंडा तलाब के अंदर मकान में आग लगी। जो अं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड को इनफॉर्म किया, प्लस ये बिजली बोर्ड में कारपोरेशन को भी इनफॉर्म किया। फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है, असं भी उत्थे मौजूद हाँ, बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी मौजूद है। हूँ तकरीबन काबू पर काबू पाया चुका, कोई जानी मानी नुकसान नहीं है। कमरे के अंदर जी किचन बनी थी, किचन के सिलेंडर पिया से वो कढ लिया गया है। ये मकान जोड़ा वा ये है संजय बजाज सन ऑफ श्याम सुंदर बजाज वासी मकान नंबर 1506/71 गली मेला बांधा टुंडा तालाब कटड़ा चढ़त सिंह अमृतसर।
ਉਹਦਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਜੇ ਬਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਸੁਲਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੋ ਲੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਗਾਓਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤ ਕੇ DSP ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਗਾਓਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ ਸਭੀ ਕੋ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸੀਲ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੋਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 88/22 ਮੁਕੱਦਮਾ 2500 ਟਰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਸ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਲੋਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੀਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਮਰਲੇ ਜੀ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਰਥ ਹੈਗੀ ਆ 22-25 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ SSD ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਖਲੋਰੀ IPS ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 19 ਕੇਸ ਤਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 15 ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 6 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਕੀ ਔਰ ਸੇ 1 ਰੇਸ ਜਲੰਧਰ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਜਲੰਧਰ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ 21.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ 3000 ਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਓ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਰ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਰ ਗੁਪਤਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਕੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਕਈ ਗਣਮਾਨਯ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਸਰ, ਯਹਾਂ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੀ ਤੋ, 1 ਨੰਬਰ ਕੇ ਰੂਟ ਤੇ ਟਰੈਕ ਜਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੇ ਥੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਥੀ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੀ ਸਰ। ਤੋ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਫਸਟ ਆਪ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਤੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਟਰੈਕ ਜਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੇ ਥੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲੱਗੀ, ਰੂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਤੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੇ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਐਥਲੀਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਖੇਲਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਗਮਾ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਸਰ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕੈਸੇ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਸਟੇਟ ਗੋਲ ਕਰ ਰਖਾ ਹੂੰ ਔਰ 7-11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਉਸੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸਵਾਸਥ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੋ, ਔਰ ਉਸਸੇ ਇਨਕੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ। ਜਿਤਨਾ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਆਗੇ ਬੜੇਂਗੇ। ਔਰ ਆਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਆਊਟ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜੈਸੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮਾਰਾ ਫਸਟ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 1 ਰੈਸ ਜੋ 1 ਰੈਸ ਜੋ NGO ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਰਨ ਫੋਰ ਜਲੰਧਰ ਸੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਸੇ ਕਿਆ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਔਰ ਦੌੜਨੇ ਸੇ 90 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਤੇ, 19 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। 19 ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਟਾਂਗੇ ਆਪਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬੜਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਹਾਰਟ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲੀ ਫਲੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਆਂਖੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਸਭਸੇ ਫਸਟ ਮੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੇ ਲੀਏ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਲਦੀ ਹੈ।
अमीर वही होता है जो हेल्दी है, अमीर पैसों से नहीं होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको अमीर है। पैसे होकर के भी हमारे पास में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा किस काम का है। तो मेरा कहना है, वो बोलते हैं एक कहावत है हिंदी के अंदर कि पहला सुख निरोगी काया, आपका पहला फर्स्टली आपका सुख है, फर्स्टली आपका आराम है, फर्स्टली आपका रेस्ट है, आपका हेल्दी होना वेरी कंपलसरी है। बहुत अच्छा लगा, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, हमारे लुधियाना में होती है PAU रन, बट इट वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड इस जलंधर रन एंड कूडोज टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड द स्पॉन्सर्स एंड अ फैबुलस रूट, सेफ्टी वॉज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस विच वॉज गिवन एंड वेरी नाइस, द रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स एंड द ढोल एंड द एनर्जी वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। SSA जैन सभा शिवपुरी लुधियाना की ओर से महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज का 55वां शुभ दीक्षा महोत्सव महालक्ष्मी पैलेस सुंदर नगर लुधियाना में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक अशोक पराशर पप्पी, मदन लाल बग्गा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आयोजित समागमों में अलग अलग जैन परिवारों की ओर से सेवा का लाभ उठाया गया। इस अवसर पर सभा के चेयरमैन डॉक्टर मुलखराज जैन, अध्यक्ष संघ रतन विनीत जैन, महामंत्री राजीव जैन, कोषाध्यक्ष कुलदीप जैन सहित समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। गुरनी मैया महासाधवी श्री वीणा जी महाराज का 55वां दीक्षा जयंती महोत्सव जरा शिवपुरी जैन समाज में मनाने का मौका मिलया है। मैं इसलिए अपने सारे समाज वालों, सारे लुधियाने समाज वालों उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनावां दिना कि इदा ही उन्होंने संजमी जीवन खूब अगे वधे फुले तो जिन शासन की धर्म की सेवा करते रहन। अज इत्थे बहुत ही सुंदर इकट्ठ होया है, बहुत ही जिन्हू कहिंदे आ कि सारा लुधियाना ही सारा पंजाब ही इत्थे पहुँचया होया है। तो मैं आए हुए सारे जी आया कहना है, तो आशा करदा है कि जदों भी असी कभी कभी समागम किया है हमेशा ही सब ने सानू इदा प्यार भरिया आशीर्वाद दिता है, तो अगे भी साढ़े लिए इदा ही इन्हां दीआं मंगल कामनावां शुभकामनावां रहणगीआं। तो मैं आए हुए सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ये जो समारोह है हमारी महासाधवी गुरनी मैया वीणा जी महाराज का 55वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इनकी दीक्षा उनको 55 साल हो गए और इनका संयम जीवन जो कि लगभग 50 साल हो गए इनको, इन्होंने दोपहर को एक टाइम ही समय भोजन करते हैं और ना कभी इन्होंने गर्म वस्त्र धारण किए हैं और दो ही वस्त्र है इन्होंने रखे हुए, वही पहन के वही उसको करते हैं। इनका संयम हम क्या कहें, ये तो हमारा पुण्य है, हमारे अध्यक्ष जी हैं इनका पुण्य है कि इनको हमें शिवपुरी समाज को ये 2023 का चतुर्मास प्राप्त हुआ और हम गुरनी जी महाराज को शत वंदन करते हैं, नमन करते हैं। मैं सभी आए हुए मेहमानों का जो कि लुधियाना से जो बाहर से क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, जो लुधियाना के समस्त युवा संघ है जिन्होंने हमें सहयोग दिया, हमें भोजन में सहयोग दिया और मेरा अपना युवा संघ वर्तमान जय युवा संघ जिसके अध्यक्ष गौरव जी, हमारे चेयरमैन भाई विनीत जी हमारे सभा के अध्यक्ष भी हैं, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप आए और हमें आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। सक जैन परिवार आज गुरुदेव इकट्ठे हो गए सारे आज असी अपने आप नू भागा वाले गिनते हैं क्योंकि गुरुआं की कृपा और गुरुआं का आशीर्वाद जिहड़ा अज सानू मिलिया इत्थे सारे नू। मैं हलका सेंटर का सेवादार होने के नाते दसना चाहना कि जैन परिवार का जिहड़ा लुधियाने नू पंजाब नू जो इस समाज की देन आ ये हमेशा जिहड़ी कोई गरीब गुरूबे की सेवा दे विच जैन समाज बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा पाउंदा और इन्हां दे गुरुआं ने जो सानू आशीर्वाद दे के अज समाज दे सेवा दे मुतलक दस्या वा उस दसे हुए रस्ते दे उत्ते लोकां दी सेवा करनी और गरीब गुरूबे की सेवा करनी ये इंसानियत दा पहला धर्म आ। अज दे दिन मैं सारे समुचे जिथे जैन समाज नूं मुबारकबाद दिना और उत्थे गुरुआं दी कृपा दे नाल ऐसे तरह ही साडा पंजाब साडा लुधियाना इसे तरह ही हमेशा समाज दी और देश दी सेवा करदा रहे। सभी को सादर जय जिनेंद्र, मैं राजीव जैन महामंत्री SSA जैन सभा शिवपुरी लुधियाना। आज हमारे लिए परम हर्ष का विषय है कि हमारे गुरनिवर्य तपोनिधि माँ साधु श्री वीणा जी महाराज जिनका आज 55वां दीक्षा दिवस, दीक्षा मीन संन्यास, चाहे जैन धर्म हो
चाहे सनातन धर्म हो, हमारी भारतीय संस्कृति में संत समाज जिनकी हमेशा यही प्रेरणा रहती है कि हम संसार से अपनी आत्मा के तरफ चलें, अपनी आत्मा के कल्याण की तरफ चलें, और यही मोटिव हमारी माँ साध्वी जी का 55 वर्ष पूर्व इन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया यानी संजीवनी जीवन। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आज एक भव्य समारोह महालक्ष्मी पैलेस सुंदरनगर में इनके गुणों की गौरव गाथा को बखान करने के लिए कि कैसे ये जन कल्याण आत्म कल्याण में प्रयासरत हैं। अमृतसर में मंदिर माता भद्र काली दशहरा कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह मनाई जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर इस बार भी दशहरा पर्व संबंधी तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस संबंधी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रधान इंद्रवीर सिंह बुलारिया के आवास पर रखी गई मीटिंग में दक्षिणी क्षेत्र के सभी पार्षद, वार्ड प्रधान और दशहरा कमेटी के सदस्यों ने शिरकत की। वहीं मीटिंग में सभी पदाधिकारियों की ओर से अपने अपने विचार रखते हुए सुझाव भी दिए गए। मीटिंग में आए गणमान्यों ने सभी सदस्यों द्वारा दिए गए विचारों को बड़े ही ध्यान से सुना, जिसके बाद विधायक इंद्रवीर सिंह बुलारिया की ओर से इससे संबंधी अलग अलग नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई। उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। इस मौके पर मोहन सिंह, बलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, बलदेव सिंह, जतेंद्र पाल सिंह, दीपक कुमार, हरभजन सिंह, गुरमिंदर सिंह, अरविंदर पाल सिंह सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज दशहरा कमेटी की मीटिंग सरदार इंद्रवीर सिंह बुलारिया के निवास स्थान पर हुई जी, जिदे बारे दशहरे बारे ते विचार किया गया और वक्-वक् तरीके दे नाल जड़ियां ड्यूटियां सी वंडियां गईयां। यह दशहरा हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल मंदिर माता भद्रकाली के विशाल ग्राउंड के मनाया जा रहा है, जिस विच आप सब नूं सूचित किया जाता है कि आ के इस महान दशहरे की रौनक नूं वधाओ ते अपने पूर्वजां दे ध्यान चल। 24/10/2023 नूं सीनियर मीत प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरदार इंद्रवीर सिंह बुलारिया जी की अगवाई दे विच ते समूह हलका दखणी दे जिन्ने भी कौंसल साहिबान ने, कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान ने, उन्हों की अगवाई के संगत के सहयोग के नाल इस बार भी जोड़ा दुशहरा है भद्रकाली ग्राउंड के बड़ी धूमधाम के मनाया जा रहा है। तो इस दुशहरे के खास तौर पर राजा बड़िंग जी जो कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने, नाल ही चरणजीत चन्नी जी, नाल ही बहुत बहुत व्डे दिग्गज नेता जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, वो सारे ही इस दुशहरे के अगवाई करे। नाल ही साड़ी सारी संगत को हलका दक्षणी हलका पूर्वी बेनती है कि कृपा करके सारी संगत इस दुशहरे पर पहुँच के इस दुशहरे का आनंद माने। सुहागिनों के पर्व करवा चौथ की इस बार जालंधर में खासी धूम रहने वाली है। यह पर्व महिलाओं के लिए बेहद खास और यादगार साबित हो इसके लिए द नूर क्लोजेट 1 नवंबर को होटल मैरिटन में द ग्रैंड करवा चौथ सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस बात की जानकारी इवेंट ऑर्गेनाइजर रवनीत कौर और नवनीत कौर ने दी। इसी संदर्भ में दैनिक सवेरा की डायरेक्टर नेहा विज को इस करवा चौथ इवेंट का निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम संबंधी ऑर्गेनाइजर रवनीत कौर और नवनीत कौर ने बताया कि इस इवेंट को रोमांचकारी और मनोरंजक बनाने के लिए तंबोला गेम के साथ साथ कई तरह की फन गेम्स भी खिलाई जाएंगी। इसके साथ ही उनके लिए कई सारे लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। इवेंट के दौरान मेगा लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिसमें 2 भाग्यशाली प्रतिभागियों को डायमंड रिंग और डायमंड इयररिंग भेंट किए जाएंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोजिया की रिपोर्ट। सत श्री अकाल जलंधर। करवा चौथ का दिन सारिया सुहागना लिए बहुत स्पैशल होंगे, तो जे करवा चौथ सैलीब्रेशन हो ग्रैंड होनी चाहिए है। यही सोच लैके मैं रवनीत कौर ते मेरे नाल मेरी पार्टनर नवनीत कौर तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं एक्सकलूसिवली द ग्रैंड करवा चौथ सैलीब्रेशन। इस इवेंट विच लेडीज़ के एंटरटेनमेंट के नाल नाल उन्हां ते असीं करन वाले हाँ गिफ्ट्स की अनलिमिटेड बौछार, और इन्हां गिफ्ट्स विच साडी सहायता कर रहे हैं आबूज एक्सकलूसिव, राणा प्लाई पैलेस, क्रिस गेट थिंस जलंधर,
The L'Oreal Studio 7 Fagwara, Jora Jewelers Palace also from Fagwara, Tony Bangles and Ornaments, Sheetal Fibers, Food Coast, New Prakash Ice Cream and Danik Savera and many more. But eh ethe hi khatam nahi hunda. Two lucky ladies will have the opportunity to win a diamond ring and a pair of diamond earrings. So Jalandhar, are you ready to rock with us this Karwa Chauth? फिरोजपुर में अरोड़ा महासभा की पंजाब स्तरीय मीटिंग फिरोजपुर के अरोड़ा महासभा की तरफ से करवाई गई, जिसमें अलग अलग जिलों से अरोड़ा महासभा के कार्यकर्ता और अबोहर से अरोड़ा महासभा के पंजाब प्रधान अरुण नारंग विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मीटिंग में अरोड़ा सभा के पंजाब प्रधान अरुण नारंग और सेक्रेटरी अश्विनी ढींगरा ने बताया कि फिरोजपुर में पंजाब लेवल की मीटिंग की गई, जिसमें मोगा, कोटकपुरा, जालंधर, मानसा, सुनाम, लुधियाना सहित अलग अलग जिलों से अरोड़ा वंश के कार्यकर्ता पहुंचे। इस मीटिंग में अरोड़ा वंश के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस अवसर पर फिरोजपुर से प्रधान विजय सतीजा, मानसा से बलविंदर कुमार, अनिल बजाज, अश्विनी ढींगरा, राजेंद्र कुमार और कई कार्यकर्ताओं ने इस मीटिंग में भाग लिया। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आज दी मीटिंग साडी अरोड़ा महासभा जिहड़ी अरोड़वंश बरादरी की एक बड़ी वड्डी सभा पंजाब दे विच कम कर रही है, उन्हां दी पंजाब दी कोर कमेटी की मीटिंग है। साडे पंजाब दे मेन मेन जिहड़े असी अलग अलग जिलों तो लोग असी बनाए वह लोग बैठे इत्थे, मानसे तो भी आए हैं, इत्थे सुनाम तो भी आए हैं, जलंधर तो भी आए हैं, कपूरथले के भी है, साडे कोल फिरोजपुर के भी है, फाजिलका के भी है, सारे लोग इत्थे इकट्ठे होए हैं। असी अरोड़ा बरादरी दे इकट्ठा करन वास्ते, ताकि पूरे समाज में एक सेध दी जाए, पूरे समाज का फायदा किया जाए। सिर्फ प्योरली समाजिक संस्था अज दे चुनाव भी किते जी? नहीं, चुनाव अज कोई नहीं है, सिर्फ असी सिर्फ बैठे हैं। हाँ, चुनाव एक मैनू एज ए कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि साढ़े प्रधान जी अश्विनी कुमार पिंटू जी वो चले गए कैनेडा 6 महीने वास्ते, मैं मेरी ड्यूटी ला के गए, इस करके असी ये मीटिंग करी जाने। नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपालनगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 3रे दिन की शुरुआत हुई। इस कथा के दौरान विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, कांग्रेसी नेता रमित दत्ता ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित भक्तों को कहा कि शिव ही कल्याण है और शिवजी में ही मनुष्य की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी दिनचर्या में शिवजी की भक्ति को शामिल करना चाहिए। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोचड़, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, मायाराम पांडे, सुरेंद्र, वीपी सिंह शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शिव और शक्ति
इन दोनों के मेल जोल से संसार चल रहा है। अनंत कोट ब्रह्मांडों का सृजन पालन और संहार ये भगवान की लीला शक्ति के द्वारा ये सब हो रहा है, ये ध्यान रखें। तो इसलिए सभी गंगाजी को चाहिए कि शिव तत्व का दर्शन दिन करते रहें। एक शिवलिंग की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में इनका विशेष महत्व है। हर नारी शक्ति की स्वरूप है, हर पुरुष शिव जी का स्वरूप है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या, हमारा स्वरूप कितना निर्मल है, हमारा सबका स्वरूप कितना पवित्र है, हमारा सबका स्वरूप कितना सच्चिदानंदमय है। कि माया में जगत में आकर के लोग इसको भूल जाते हैं, उसको याद दिलाने के लिए हमारी नारायण सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण का आयोजन इस गोपाल मंदिर में रखा गया है। इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है कि हमें स्मृति हो जाए कि ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन वीर बबरीक चौक बस्ती शेख रोड की ओर से 20वां वार्षिक जागरण वीर बबरीक चौक नज़दीक में बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें महंत राजकुमार बिल्ला एंड पार्टी नूर मेहरा एंड पार्टी अमृतसर वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर कपिल कोहली एंड पार्टी ने भगवान शिव की सुंदर झांकी प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक शीतल अंगुराल, विधायक रमन अरोड़ा, कंटेनर बोर्ड के चेयरमैन राजविंदर कौर, एक नूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रदीप खुल्लर, श्री देवी तालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, आप नेता विनीत धीर, आप नेता निखिल अरोड़ा, गौरव अरोड़ा, सुशील मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। इन सभी आए हुए मां भक्तों को एसोसिएशन के चेयरमैन राजकुमार मदान, प्रधान राकेश भारद्वाज ने मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर चेयरमैन राजकुमार मदान, प्रधान राकेश भारद्वाज, सरप्रस्त प्राणनाथ चड्डा, चेयरपर्सन राकेश महाजन, उप प्रधान आदित्य सोनी, कैशियर विजय बजाज, राजेश संदल, उप प्रधान अरविंद मोहन, महासचिव ज्योति प्रकाश, सीनियर उप प्रधान दीपक तनेजा सहित सभी सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सुंदर जी महाराज, आइए उससे भी स्वागत किया के लेंगे। दोनों भगत अपने पितरों को मानते जो अपना हाथ उठाकर बने, फिर अपने पितरों को मान जो अपने पितरों के लिए ताली लगा के जय हो पितर देवा। श्री राम,
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਤਲ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਪੂਰਾ ਸਿਆ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ सज धज कर बैठी माँ सज धज कर मंद मंद मुस्काई और क्या कहना है आओ नजर उतार है मैया की आओ नजर उतार है मैया की आओ नजर कहीं माँ नजर ना लग जाए कहीं माँ को देखिए कहते हैं कि अगर मुर्दों की शान होती है कहते हैं कि अगर मुर्दों की शान होती है और ताली वो लगाते हैं जिनके हाथों में जान होती है किन किन होठों के हाथों में जान है सजी धजी कर बैठी माँ ओ सजी धजी कर बैठी माँ ओ और मंद मंद शीतल वीर जी बहुत ही खास प्रेमी ने भजन दे सारी दुनिया नाल जानदी है उन्हां दा आशीर्वाद बहुत जरूरी है असीं बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं उस तरह फिर नूर मेहरा जी दा भजन चलता रहेगा यूथ वेलफेयर सोसाइटी पुरिया सहगल की तरफ से 33वां वार्षिक जागरण खिंगरा गेट जालंधर में बड़ी ही श्रद्धा भाव से करवाया गया जिसमें बॉलीवुड सिंगर माही नैयर दिल्ली वाले और महंत नरेंद्र शर्मा एंड पार्टी फगवाड़ा वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज विधायक बाबा हेनरी ने मुख्य अतिथि के रूप में जबकि भाजपा युवा मोर्चा सचिव भुवन मल्होत्रा दर्शन कपूर पूर्व पार्षद पतिल सलील बाहरी सतीश धीर मनु कपूर नन्नू कपूर मानव कुमार ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया जिन्हें कमेटी सदस्यों की ओर से विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया
इस मौके पर पंडित राम प्रसाद मिश्रा, पंडित रजनीश मिश्रा, पंडित जगदीश तिवारी, संजीव सहगल, पारस अरोड़ा, प्रेम प्रकाश, कशिश अरोड़ा, सूरभी अरोड़ा, रमित दत्ता, गौरा धीर, अश्विनी धीर, नन्नू धीर, विशाल गुप्ता, भुवन मल्होत्रा, अमन गुप्ता, रिक्की टंडन, चिंटू अरोड़ा, शशि अरोड़ा, प्रवीण कुमार, बब्बी महाजन, गगनपुरी, ऋषु कालिया, राजीव महाजन, हिमांशु, वशिष्ठ, विशाल गुप्ता, अमन गुप्ता, मुकुल गुप्ता सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। अमरजीत कौर, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु कीर्तन एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा नौवीं पातशाही जीटीबी नगर जालंधर में की गई। इस दौरान रागी जत्थों ने वैराग भी कीर्तन कर स्वर्गीय अमरजीत कौर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की।
इस अवसर पर मेयर जगदीश राजराजा, श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, परमिंदर मक्कड़, मुनीश अरोड़ा, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, दरबारा सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर भगत, प्रीतम सिंह अरोड़ा, चरणजीत सिंह, गुरशरण सिंह, राजेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह बग्गा, जसविंदर सिंह, डॉक्टर बी एस कौल, सुरेंद्र सिंह, नीरज अरोड़ा, राजेंद्र सिंह कलसी, आर के हरजाई, अशोक मागो, संदीप बहल, प्रीतम सिंह सपरा, दविंदर सिंह मनचंदा, प्रवीण अरोड़ा, मान सिंह कुंदवानी, हरदीप सिंह, विजय खुल्लर, मनजीत सिंह ठाकुर, इंद्रजीत सिंह, प्रीतम सिंह अरोड़ा सहित पारिवारिक सदस्यों में बेटा एसपीएस विर्क, सुखबीर सिंह विर्क, बिबन विर्क, पवन विर्क, रूपा जोहल, हरशरण जोहल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अमरजीत कौर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सर उन्हें भी बदौलत है, और साढ़े दो चाचा जी इतने हैं उन्हें भी बदौलत। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि सानू अपनिया जिम्मेवारियां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ चीज़ा भुल जाती हैं। अच अफसोस होता है कुछ चीज़ा रह गई हैं, पता नहीं सी चले जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग सुना दे पहले रिकॉर्डिंग एक्चुअल थी प्रीतम अंकल को बड़ी गलती होगी, मेरी बेटी की रिकॉर्डिंग है, मुझे दादी ना बहुत लगाव सी, वो नहीं आ सकी। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना सारे जिन्होंने भी मावा है बहुत क्या ये बहुत अल्फाज नहीं जो चले जाते हैं, इन्ना दुख देती है ना, सारा महसूस नहीं होता कि वो किस सरमाए में कैसे करती है। आज आप माता अमरजीत कौर जी मिठी याद में अरदास करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। सर प्रीतम सिंह जी ने, राजू जी ने आप माता जी बारे दसिया कि पिता जी से जल्दी जाण करके सारे परिवार का जोड़ा बोझ है माता जी के कंधे अपने आ गए, माता जी ने अपने बच्चों की पालना पोषणा की। अब उस माता को असं नमन करते हैं जिन्होंने परिवार तुम देख रहे हो कि शहर के हर वर्ग का हर समाज का चाहे उद्योग का क्लब ना जुड़े हैं चाहे व्यापार ना जुड़े हैं और चाहे अपने रिश्तेदारी जुड़े हैं, ये बात अज का प्रतीक है। वो माता की देन है कि जिन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी समाज के और परिवार के और रिश्तेदारी के। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू, 32 बोर के खोल और एक 32 बोर का जिंदा कारतूस किया बरामद। अमृतसर के थाना बी डिवीजन के अधीन आते इलाके कटड़ा चढ़त सिंह में एक मकान में लगी आग बड़ा हादसा होने से टला। फिरोजपुर के गांव फिरोज शाह में पुलिस ने एक नशा तस्कर की प्रॉपर्टी को किया सील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।